बुंदेली फिल्म आई प्रेम की रात जो बन गई थी, जिसका उद्घाटन मुंबई से आए फिल्म निर्देशक निर्माता अशोक बुंदेला जी एवं कई कलाकारों के द्वारा आज दिनांक 29 जनवरी 2020 बुंदेला प्रोडक्शन के बैनर तले पहली फिल्म आई प्रेम की रात का उद्घाटन परशुराम तालाब कान्हा मैरिज हॉल में शानदार किया गया। और अशोक बुंदेला जी ने कहा कि दूसरी फिल्म बुंदेले 16 का ऑडिशन हुआ, जिसमें करीब 85 लड़के लड़कियों ने प्रतिभाग लिया, जिनमें से 40 से 50 लड़के लड़कियों को चयन हुआ। उस फिल्म को जल्द ही जल्द शुरू करेंगे। बुंदेला फिल्म प्रोडक्शन के एक्टर डायरेक्टर उपस्थित रहे और उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की भाषा संस्कृत को विश्व स्तर पर पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे यहाँ के कलाकारों को एक अच्छा रोजगार दे सके और आगे बढ़ सके। और इस उद्घाटन समारोह में अशोक बुंदेला सहित खलनायक का रोल करने वाले धर्मेंद्र शुक्ला, संगीतकार अजय विश्वकर्मा, चंद्रकिशोर शुक्ला, चंद्रिका प्रसाद, सालवी सिर सहित मुंबई से आए अन्य कलाकार आई प्रेम की रात फिल्म उद्घाटन में उपस्थित रहे। इस ऑडिशन में सहयोग में दीपक भारतीय का अतुल सहयोग रहा। साथ ही पुष्पेंद्र कुमार एवं आरसी योगा जी, राम स्वरूप, शिव नारायण यादव जी, कैमरामैन करण सिंह, अशोक भारती, प्रमोद आजाद, जगमोहन, राजू भाई, आनंद सभी का बहुत ही सहयोग, अन्य सभी लोगों का एवं बांदा की मीडिया प्रभारी पत्रकार को धन्यवाद दिया। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बुंदेला जी, किस तरह की ये फिल्म है और किस तरह से मेहनत करनी पड़ी आपको? ये फिल्म जो है सामाजिक कुरीतियों को आधारित है, उनको दूर करने पर आधारित है। और हमको चूँकि फिल्में साधारण नहीं होती, उनमें बड़ी मेहनत पड़ती है। बाहर से भी कुछ लोग आए थे, उनको बुलाना पड़ा, उनका बहुत सारा मैनेजमेंट है। ये करने के लिए हमारे लिए एक पहला अनुभव था। कभी कभी हम लोग डिस्टर्ब भी हो जाते थे कि यार ये कैसे होगा, लेकिन हमारे साथियों ने हमारा हौसला बनाए रखा, उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया, जिससे भी इसमें काम करें। बुंदेला जी, कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, बहुत सारी कमियाँ थी फिल्मों में, या क्या क्या कमियाँ दिखी आपको? कमियों के लिए तो देखिए, ऐसा है कि कमियाँ अगर ढूंढे तो कमियाँ बहुत सारी हैं, और न ढूंढा जाए तो कुछ भी नहीं, क्योंकि बिना कमियों के हम लोग कुछ काम आगे कर भी नहीं सकते। अगली फिल्म में क्या क्या सही करेंगे इस फिल्म में? इसमें हम लोग जो हमने किया उसमें हमें सीख मिली कि कुछ मैनेजमेंट का मामला था। कभी कभी हम लोग जो है ऐसे चले जाते थे और वहाँ कुछ भी नहीं होता था, और वहाँ पहुँच गए तो पता चला ये नहीं है वो नहीं है। तो हमारा ये प्रयास है कि इस बार जब हम कोई भी कार्य करेंगे पूरी फुल तैयारी के साथ करेंगे, जिससे हमें किसी के साथ किसी के पास हाथ फैलाना भी ना पड़े, या किसी से मतलब ये ना कहना पड़े कि भाई साहब आप साथ दे दीजिए, ऐसा मेरा। बुंदेला जी, आपने फिल्मों के लिए आपने 2-3 लोग बाहर बुलाया है, क्या यहाँ के लोगों को भी चूज किया है कि से बाहर के लोग ही बुलाए जा रहे हैं? नहीं, मेरा पूरा प्रयास है कि बुंदेलखंड के सारे कलाकार यहीं से हों, बाहरी लोग। कारण ये है कि मैंने चूँकि यहाँ जो लेडीज पात्र है, वो लेडीज़ पात्र यहाँ बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो उसके सीन होते हैं, जो उसके वो होते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, या अपने माँ बाप के उसमें, क्योंकि जो हमारा जो क्षेत्र है वो जो है थोड़ा सा पिछड़ा है, लगता है तो उनको रखा जा सकता है। सर, आप? मेरा नाम धर्मेंद्र शुक्ला है। आज जो आई प्रेम की रात में आपने विलेन का रोल किया, तो ये बुंदेली भाषा में आप क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार से उद्देश्य देना चाहेंगे? मैं बुंदेलखंड के जो भी कलाकार हैं, जो भी फिल्म जगत में काम करना चाहते हैं, तो मैं उन सभी कलाकारों का आह्वान करता हूं कि वो आए और हमारे साथ काम करें। सभी लोग बाहर जाते हैं, भटकते हैं, उनको काम नहीं मिलता है, उनका शोषण होता है, और अपने बुंदेलखंड की भाषा पे काम करें, अपनी भाषा को आगे बढ़ें। बस मैं यही कहना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति हो, एक्टिंग से हो, सिंगिंग से हो, डांसिंग से हो, या कोई भी प्रतिभा उसके अंदर हो, अगर उसको लगता है कि वो फिल्म जगत में कुछ काम कर सकता है, तो हमारा उद्देश्य ये है कि अपनी भाषा को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाना, ताकि लोग जानें कि बुंदेलखंड में भी कोई भाषा बोली जाती है, बांदा चित्रकूट में भी कोई भाषा बोली जाती है। अभी यहाँ की भाषा को लोग बाहर जब हम लोग बोलते हैं तो समझते हैं कि ये गंवारों की भाषा है, तो उस भाषा को आगे बढ़ाना, ताकि लोग गर्व से इस भाषा को बोलें। जैसे आज लोग भोजपुरी को बोलते हैं, तो वैसे हमारे बांदा चित्रकूट की भाषा को भी बोलने में उनको हिचक ना हो। बस हमारा यही उद्देश्य है, अपनी भाषा को आगे बढ़ाना।